इस दुनिया में जो भी घटित होता है उसका एक कारण होता है और किसी घटना के घटने से प्रकृति हमें कुछ संकेत देती है जिसे समझकर हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए। इन संकेतों को प्राचीन समय से ही विद्वान लोग और ऋषि मुनि समझते आए हैं और उसे मनुष्यों के भले के लिए बताते आए हैं। वास्तुशास्त्र में भी इन संकेतों का विशद वर्णन हुआ है। इन संकेतों को शकुन कहा जाता है जो कि शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। अशुभ संकेतों को अपशकुन भी कहा जाता है। ऐसे ही कुछ शकुनों में से एक होता है भगवान की तस्वीर वाले फोटो फ्रेम या भगवान की मूर्ति का गिरना। तो आइए इस वीडियो में हम ऐसी घटना होने पर हमारे जीवन पर इसके पड़ने वाले प्रभावों के बारे में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। अनहोनी का टलना, भगवान की तस्वीर का गिरना, ये एक ऐसा शकुन माना जाता है जिसका अर्थ है कि आपके साथ कोई बुरी घटना घटने की संभावना हो सकती थी, परंतु इस शकुन का अच्छा पक्ष यह है कि ईश्वर ने आपके ऊपर बड़ी अनुकंपा की है और उस बुरी घटना के असर को भगवान ने अपने ऊपर ले लिया है। भगवान अपने सच्चे भक्तों के साथ ऐसा ही करते हैं, इसलिए ऐसा होने पर आप बिल्कुल भी ना घबराएं और इसको गलत अर्थों में ना सोचें, क्योंकि जो कुछ भी दुर्घटना या बुरा प्रभाव होने की संभावना होगी भी, तो समझ लीजिए स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको उससे बचा रहे हैं। और इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को तो आपने सुना ही होगा कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यानी जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं उसको कोई भी नहीं मार सकता। और इसीलिए ऐसा संकेत मिलने पर आप समझ लीजिए कि आपका कोई भी अमंगल नहीं होगा। अब अगर ऐसा आपके साथ होता है तो अगला प्रश्न है कि भगवान की तस्वीर गिरने से टूटने वाले फोटो फ्रेम या खंडित मूर्ति का क्या करें। वास्तुशास्त्र में इसके लिए स्पष्ट निर्देश है कि टूटी हुई मूर्ति या फटे हुए चित्र को घर में बिल्कुल ना रखें। ऐसा करने से अपशकुन होता है। उसको आप किसी बहते हुए पानी के स्रोत यानी किसी नदी या ऐसी नहर में जिसमें बहाव हो प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आपके पड़ोस में कोई नदी या नहर ना हो तो उस टूटी हुई मूर्ति या फटे हुए चित्र को किसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोद करके डाल सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसी मूर्तियों या चित्रों को आप पेड़ के नीचे सिर्फ रख कर ही ना छोड़ दें, क्योंकि जब तेज आंधी आएगी तो वह सड़क पर इधर उधर लुढ़केगी या फिर कोई जानवर उसके अगल बगल खाना ढूंढने की कोशिश में उसको और खराब कर सकता है, जिससे उसका अनादर होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कोई अपशकुन नहीं होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा भी नहीं है कि चूंकि मूर्ति या तस्वीर का टूटना या फटना किसी अनहोनी के टलने का संकेत माना गया है तो कोई जानबूझकर तस्वीर को फाड़ दे या मूर्ति को फोड़ दे, यह तो बहुत ही बड़ी मूर्खता होगी। मूर्ति के गिरकर टूटने से भगवान के द्वारा आपके ऊपर आने वाली किसी बुरी घटना या कष्ट का टाला जाना तभी एक शकुन माना जा सकता है जब वो स्वाभाविक ढंग से अपने आप ही घटित हो। इसको एक ऐसा संकेत समझना चाहिए जो आपको आने वाले समय में सजग रहने की ओर एक इशारा करता है। साथ ही यह भी ध्यान देने की बात है कि मन में सकारात्मक सोच हो तो बड़े से बड़े खतरे भी टल जाते हैं और आप कुछ अच्छा कर गुजरते हैं। इसी अच्छी सोच के साथ ईश्वर को मुश्किल घड़ी टालने के लिए सच्चे मन से धन्यवाद करें और दृढ़ विश्वास रखें कि आगे आने वाले समय में आपके जीवन में जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।